नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइट भी। आज हम डॉक्टरों की टीम के साथ खड़े हैं, उनसे पूछते हैं आज यहाँ पर क्या मीटिंग थी और जनता क्या था? आज डॉक्टर साहब यहाँ क्या किसकी मीटिंग थी? आज ये IMA हॉल पक्का तालाब पे ये एक सम्मान समारोह था, जिसमें PMFA के तहत जो गर्भवती महिलाएं आती हैं उनको जो सुविधा दिया जाता है, साथ में परिवार नियोजन संबंधी जो सेवाएं देते हैं, तो ब्लॉक में जिन भी अधिकारी ने, डॉक्टर से, काउंसलर ने उत्कृष्ट कार्य किया है उनको सम्मानित किया गया है CMO सर के द्वारा। और आगे क्या परियोजना? आगे सबको मोटिवेशन और यही कहा गया है कि अन्य लोग भी इससे प्रेरित हों। और इसमें इटावा, अगर हम जिले की बात करें, इसमें महवा ब्लॉक प्रथम रहा है, जिसमें गर्भवती महिलाओं को सेवा देने के संबंध में, परिवार नियोजन संबंध में, NSB जो पुरुष रसबंदी होता है उसमें भी महवा का प्रथम स्थान रहा है, सबसे ज्यादा प्राइज महवा को मिला। अच्छा, और भी डॉक्टर? हाँ, मैसेल्फ डॉक्टर गौरव त्रिपाठी, MOIC महवा से। और जैसा कि आज हमारे BPM ने बताया है कि हमारा ये प्रोग्राम था, ये एक आगे के लिए मोटिवेट करने के लिए स्टाफ को कि हम अगले साल और भी बेहतर कर सके, तो यही उम्मीद रहेगी कि हम अगले साल भी इसी तरह का अपना जो है परफॉर्मेंस देते रहें और जन सुविधाएं जो है आम जनता को, स्पेशली गर्भवती महिला को देते रहें और अपने जो है जनपद में का नाम रोशन करें, अपने ब्लॉक का नाम रोशन करें। हमारे साथ डॉक्टर अंकिता सिंह है, उनसे भी पूछते हैं डॉक्टर साहब, जब गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको क्या ख्याल रखना चाहिए? बहुत ज़्यादा, सबसे पहले तो आयरन डिफिशियंसी आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, एनीमिक पेशेंट बढ़ गए हैं, तो आयरन लेते रहना चाहिए, जो हरी सब्जियां हैं, चुकंदर, अनार, ये सब खाते रहना चाहिए, है ना। और बाकी चीज़ों में आप देखिए, HRP डेज हमारे यहाँ इसीलिए मनाया जाता है कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी पेशेंट हम देखते हैं, उसमें पूरी हमारी टीम, महिवा की पूरी टीम और हम सब वर्क करते हैं, साथ ही उन सबको समझाते हैं क्या खाना चाहिए, फल भी प्रोवाइड कराते हैं, सारा चेकअप होता है, इसीलिए HRP डे 1, 9, 16, 24। सरकार की तरफ से भी योजनाएं जी, सरकारी योजना बता रही हूँ मैं आपको, हर महीने की, पहले PMSA केवल महीने में 2 बार होता था, आज 4 बार। कुछ चीजें बताइए जो मतलब डॉक्टर को, मतलब जो अपने घर पे इलाज कर रहे हैं, जो ग्रामीण महिलाएं इस परिस्थिति में अभी प्रेगनेंट गुजर रही हैं, उनके लिए कोई पहले सबसे पहली चीज़ तो हमारे यहाँ सरकारी फ्री दवाइयाँ मिलती हैं, सब कुछ फ्री डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फ्री अल्ट्रासाउंड कराते हैं, फ्री में एम्बुलेंस भी लेने जाती है और लेकर आती है मरीज को, वो ले सकता है। और घर पे उपचार करने के लिए आप सुविधाएं दी हैं, तो पहले तो सुविधाओं का आप लाभ उठाइए, नहीं आने में सक्षम है, कोई और परेशानी है तो आयरन के लिए चुकंदर है, अनार है, चने हैं, हरी सब्जियाँ, दालें, ये सब खाएं, कैल्शियम के लिए दूध पिए और फल ज़रूर खाएं। डॉक्टर अंकिता सिंह जो बता रही थी कि जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनको इस तरह से ख्याल रखना चाहिए। कैमरा मैन आकाश चौधरी के साथ रानू दीक्षित।